गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा है। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ श्रीधाम अयोध्या जी में आए। इधर माँ कैकेयी मंथरा के साथ में आरती की थाल लेकर के खड़ी है। भरत जी माँ कैकेयी के पास पहुंचे। माँ कैकेयी भरत जी की आरती उतारने लगी। भरत जी ने माँ कैकेयी से पूछा, कहा, माँ यहाँ सब कुशल तो है? माँ कैकेयी पूछती है, भरत तुम यहाँ की छोड़ो, तुम अपने ननिहाल का समाचार बताओ, वहां सब कैसे हैं? भरत जी कहते, माँ ननिहाल में सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। न जाने आज क्यों बड़ा दुख हो रहा है मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में आकर के। माँ कैकेयी ने पूछा, भरत ऐसा क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भरत जी कहते हैं, माँ जब हम पहले अयोध्या की गलियों में जाया करते थे तो यही अयोध्या के नगरवासी हमें देख करके प्रसन्न होते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन आज न जाने जब मैं आ रहा था तो अयोध्या के जितने वासी हैं, जितने नगरवासी हैं, सब मुझे देख करके मुंह फेर लिए। जैसे लगता है मैंने मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। माँ आज मुझे न जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हमारी अयोध्या में सब कुशल नहीं है। आखिर बात क्या है? माँ कैकेयी ने भरत जी से कहा, भरत मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था मंथरा के सहयोग से, सब अच्छा हो गया था, लेकिन बीच में ही ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कहा, क्या हुआ? कहा, भरत आपके पिताजी नहीं रहे। जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, भरत जी भूमि पर गिर पड़े कि तात तात हा तात पुकारी और परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़े। कहा, माँ ये क्या हो गया? लगे विलाप करने। माँ कैकेयी बार बार समझाती हैं भरत जी को। तब तक भरत जी अपने अश्रुओं को पोंछ करके फिर से खड़े होकर के माँ कैकेयी से पूछते हैं, कहते, माँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे संभव है? पिताजी हमें अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? बिना मेरे भैया राम के हाथों में मेरा हाथ दिए सौंपे वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कारण क्या रहा? पिताजी की मृत्यु हुई कैसे? और आपको बताऊं, भरत जी को बताने से पहले माँ कैकेयी स्वयं बहुत भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि माँ जानती थी कि अभी जैसे ही मैं बताऊंगी फिर आज के बाद भरत मुझे माँ नहीं कहेगा, मैं इसके मुख से माँ सुनना बंद हो जाएगा, नहीं सुन पाऊंगी मैं फिर कभी। माँ कैकेयी ने बहुत हिम्मत जुटाई और भरत जी से कहा, भरत आपके पिता महाराज दशरथ के पास हमारे दो वरदान थे, बहुत पहले मैंने ले रखा था और आज वही वरदान मैंने मांग लिया आपके पिताजी से। पहला वरदान मांगा कि राम के स्थान पर भरत राजा बने और दूसरा वरदान मैंने मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। आपको बताऊं, जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, मेरे भैया वन में जा चुके हैं, भरत जी पिताजी का मरना भूल गए, विस्मरण हो गया कि भरते ओ बिसरे ओ पितो मरण, सुनत राम बन गो हे तू अपन पौ जान जिया
थकिता रहे धरी मां। भरत जी विलाप करने लगे और पिताजी का मरना भूल गए, जिस प्रकार से जीवन में एक छोटा सा दुख होता है और जब उस दुख के सामने कोई बड़ा सा दुख आ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के उस छोटे से दुख को भूल जाता है, उसी प्रकार से भरत जी भी पिताजी का मरना भूल गए और लगे विलाप करने। कहा, मेरे भैया राम वन में जा चुके हैं और मुझे खबर तक नहीं है। ये सब कुछ इस पापी भरत के कारण ही हुआ। शत्रुघ्न भैया मंथरा वही थी, लगे मारने। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न इस बेचारी मंथरा को क्यों मारते हो? अरे अगर मारना हो तो इस पापी भरत को मारो, क्योंकि सारा अपराध इस भरत का ही है। सब कुछ इस भरत ने किया है। अगर आज ये भरत नहीं होता तो मेरे भैया राम वन को नहीं गए होते। तब तक भरत जी को स्मरण हो आया कि कहीं माँ कौशल्या तुम मेरे विषय में ऐसा नहीं सोचती कि सब कुछ मेरे ही कारण हुआ। दौड़े भागे माँ कौशल्या के पास जा रहे हैं। उधर माँ कौशल्या पड़ी हुई है, विलाप कर रही हैं भगवान के वियोग में। जैसे ही भरत जी को आता हुआ देखा, भरत जी ने देखा कि माँ कौशल्या आ रही हैं। इधर माँ कौशल्या ने देखा कि भरत आ रहा है। राम जी और भरत जी बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो भी सांवले से, भरत जी भी सांवले से। माँ कौशल्या को मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा राम ही चला आ रहा है। आँखों में जब अश्रु होते हैं, आंसू होते हैं, तो आँखों से साफ दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से आज माँ कौशल्या के आँखों में अश्रु भरे हुए हैं और उन अश्रुओं के कारण माँ को धुंधला दिखाई पड़ रहा है। भरत जी को ही माँ ने देखा, माँ को ऐसा लगा कि मेरा राम ही चला आ रहा है। राम के पास दौड़ी भागी माँ कौशल्या जा रही हैं। उधर से भरत जी दौड़े भागे आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते बीच में ही माँ कौशल्या गिर पड़ी हैं। भरत जी माँ कौशल्या को लेकर के और जा करके एक स्थान पर बैठ गए हैं। माँ कौशल्या भरत जी को बारंबार समझाती हैं। भरत जी माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ अगर मेरे भैया राम के बन जाने में इस भरत का थोड़ा भी सहयोग हो, थोड़ी भी सहमति हो, तो जो पाप गौ को मारने से लगता है, जो पाप गौ हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। संसार में जितने भी पाप हैं वो सब पाप इस भरत को लग जाए, अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो। माँ कौशल्या भरत जी को बार बार समझाती, कहती, भरत अब तू मुझे समझाएगा कि तेरा स्वभाव कैसा है, अब तू मुझे बताएगा। भरत, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे संभव है कि मच्छर के फूंक से सुमेर पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। संभव है कि आकाश पाताल में विलीन हो जाए, ये भी संभव है। संभव है कि धरती अपना क्षमा भाव त्याग दे, अपनी शीतलता का भाव त्याग दे, ये भी संभव है। हो सकता है सूर्य आग के स्थान पर बिल्कुल शांत हो जाए, शीतल हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम को वन भेज दे, ये कदापि संभव नहीं है। मैं तुझे जानती हूँ, बार बार माँ कौशल्या भरत जी को समझाती है। भरत जी रोए जा रहे हैं और एक ही बात दिन रात रटते हैं, मोर जन्म रघुबर बन लागी। कहते हैं, माँ मेरा जन्म ही भगवान राम भैया राम को वन में भेजने के लिए हुआ है। इसी बात को पकड़ करके दिन रात रोते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, आकर के जो महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर नाव में तेल भरवा करके सुरक्षित रख दिया गया था, उस महाराज के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार श्री भरत जी द्वारा हुआ। गुरुदेव एक प्रकार से किसी भी विधि को करने के लिए कहते थे तो श्री भरत जी उसे हजार प्रकार से पूर्ण करते थे। हर प्रकार से ढेर सारे दान पुण्य किए गए।
त्रयोदश संस्कार संपूर्ण हुआ, एक श्रद्धांजलि सभा बिठाई गई। उस श्रद्धांजलि सभा में सारे अयोध्यावासी सब लोग उपस्थित थे। उस श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव बार बार भरत जी को समझा रहे हैं। भरत जी से कहते हैं, भरत आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। सोचने योग्य 12 लोग हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने 12 लोगों के विषय में सोचने की बात कही। कौन कौन? कि सोची अभी जो वेद विहीना, सोची वशिष्ठ ने कहा, भरत वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसे वेद का ज्ञान नहीं हुआ, जो वेद ना पढ़ पाए वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। जो विषयों में लीन है वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। भरत और तो और वो राजा सोचने योग्य है जो नीति पूर्वक राज्य नहीं करता और अपनी प्रजा को अपने प्राणों के समान प्रेम नहीं करता। वो राजा सोचने योग्य है। भरत वो वणिक सोचने योग्य है जो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक न करे, वो वणिक सोचने योग्य है। वो वैश्य सोचने योग्य है जो धनवान होने के बाद भी धर्म कार्य में एक रुपये खर्च न करे, वो वैश्य सोचने योग्य है। वो सेवक सोचने योग्य है जो मुखर हो ज्ञानी हो ज्ञान के अभिमान में ब्राह्मण का अपमान करे, वो सेवक सोचने योग्य है। भरत और तो और वो स्त्री सोचने योग्य है जो प्रतिदिन अपने घर में कलह क्लेश करे, अपने पति की बात न माने, अपने पति को छोड़ करके किसी पराये पुरुष का दर्शन करे, वो स्त्री सोचने योग्य है। और तो और भरत वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह ना कर सके। हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन में तीन प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जो देव ऋण होता है, पूजा पाठ करके भगवान की आराधना करके हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। पितृ ऋण होता है कि हम अपने पूर्वजों का तर्पण करके
हर प्रकार से जितना भी हम हो सके अपने पूर्वजों के नाम पर दान करें, पुण्य करें, इस प्रकार से हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा आता है ऋषि ऋण। समाज में जब भी कोई धर्म कार्य होता है, सभी संत महात्माओं का सम्मान करें, आदर भाव करें, इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये तीन प्रकार के ऋण होते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में। अपने गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन न करे वो गृहस्थ सोचने योग्य है, वो सन्यासी सोचने योग्य है जो सन्यास लेने के बाद भी प्रपंच में फंसा है, दुनियादारी में लगा हुआ है, वो सन्यासी सोचने योग्य है। वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़ करके भोग में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है। और भरत, और तो और सबसे बड़ा सोचने योग्य तो वो है जो मनुष्य का शरीर पा करके भी भगवान को नहीं पाया, भगवान के चरणों में मन नहीं लगाया, वो मनुष्य सोचने योग्य है। इस प्रकार से 12 लोगों के विषय में गुरुदेव ने ऐसी बात कही। कहा, भरत आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। अरे, आपके पिता जैसा ना कोई हुआ और ना है, ना कोई हो पाएगा। अरे, जिसके चार चार पुत्र हों, आप जैसे, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न जैसे, क्या वो सोचने योग्य हो सकता है? भरत, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, इन चिंताओं से दूर हटिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक बात मान करके आपके भैया राम वन को चले गए, और आप दूसरी बात मान करके, दूसरा वचन मान करके राजा बन जाइए। भरत जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, भरत एक काम करो, आप अभी राजा बन जाओ, अभी यही उचित है, और जब आपके भैया राम आएंगे तो आप उन्हें सब सौंप देना। भरत जी सोच रहे हैं, सभा के बीच में खड़े हुए और कहते हैं, गुरुदेव एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप चाहते तो मेरे भैया राम रुक नहीं सकते थे? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत अवश्य रुक सकते थे, अगर मैं कहता तो राम मेरी बात को नहीं टालते। भरत जी कहते, फिर रोका क्यों नहीं? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत कैकेयी ने वचन लेने से पूर्व ही राम की शपथ ले ली थी। महाराज दशरथ ने भगवान राम की शपथ लेकर के कहा था कि तुम जो भी दो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और भरत, अगर मैं राम को ले लेता, राम को रोक देता, तो फिर महाराज ने जो राम की शपथ ली थी वो मिथ्या हो जाती, इससे राम का हित नहीं होता, उसका अहित हो जाता, इस कारण मैंने राम को रोका नहीं। भरत जी कहता, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव एक उपाय तो और था, अगर आप कहते कि पहले पहला वचन निभाया जाए, पहले पहला वरदान पूर्ण किया जाए, और पहला वरदान था कि भरत को राजा बनाया जाए, और अगर मैं राजा बन जाता तो मैं आदेश दे देता कि मेरे भैया राम वन को नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने बातें जब सुनी भरत जी की, भरत जी से गुरुदेव ने कहा, भरत आपने बिल्कुल सत्य कहा, मैं रोक सकता था, मैं ये कार्य भी कर सकता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार ही नहीं आया। भरत, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके भैया राम ही वन को जाना चाहते थे, इसलिए जो हुआ पश्चाताप ना करें, आपके पिता अपने वचनों को निभाते निभाते अपने प्राणों की आहुति दे दिए राम के वियोग में। भरत जी कहते, नहीं गुरुदेव, मेरे पिता राम के वियोग में नहीं गए, मेरे पिता ने तो कहा था कि मुझे राम के पास छोड़ दो, मैं जीवित हो जाऊंगा, मैं रह लूंगा, वन में ही जीवन काट लूंगा, लेकिन कोई उन्हें पहुंचाया नहीं। मेरे पिता महाराज दशरथ तो मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग दिए,
कि मुझ जैसा जिनका पुत्र हो वो जीवित भी कैसे रह सकते हैं, सारा दोष हमारा ही है। गुरुदेव आपने कहा कि यही उचित है कि मैं राजा बन जाऊं, जिस कार्य को करने में उचित और अनुचित देखना पड़ रहा है उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और एक व्यवहारिक रूप में आपको उदाहरण दूं, आप किसी भी व्यक्ति से अपने घर में परिवार में किसी से आप पैसे उधार ले लीजिए, तो जो स्वरूप उसका लेते समय रहेगा अगले दिन या फिर 10 दिन बाद या महीनों बाद जब आप उससे वो पैसे उधार मांगने जाएंगे तो फिर उसका स्वरूप बदल जाता है, उसे देना अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता ये उसका ही पैसा हो। या फिर घर में आप देख लीजिए, आप मालिक हो और अपने छोटे भाई को आप मालिक बना दीजिए, 1 महीने के बाद उससे चाबी वापस लेने जाएंगे उसका चेहरा बदला हुआ दिखाई पड़ता है, वो दे नहीं पाता है, उसका मन बदल जाता है। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव जिस बात को जिस कार्य को करने में उचित और अनुचित देखना पड़ जाए उस कार्य को मुझे नहीं करना, ये सारी संपत्ति ये सारा राजमहल सारा राजपाट ये सब मेरे भैया राम का है, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं ले सकता। गुरुदेव एक बात बताइए, अगर कोई स्त्री है उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है और उसे आभूषणों से ढक दिया जाए तो क्या शोभा देगा? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल नहीं। कोई रोगी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के शरीर में रोग ही रोग भरे पड़े हैं और उस व्यक्ति के सामने 56 भोग लेकर के जाया जाए तो क्या ये शोभा देगा? क्या उसके लिए उसका कोई मतलब है? कहा कोई मतलब नहीं। किसी के मन में वैराग्य नहीं है, कोई भक्त नहीं है और उसके सामने धर्म की चर्चा की जाए, ब्रह्म की चर्चा की जाए, क्या उसके लिए कोई मतलब है? कहा कोई मतलब नहीं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव जिस प्रकार से किसी स्त्री के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं और उसके ऊपर आभूषण लाद दिए जाएं, उसके लिए कोई आभूषण का कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार से एक रोगी शरीर के व्यक्ति के सामने अगर 56 भोग लेकर जाया जाए तो उस 56 भोग वो कोई किसी काम का नहीं। जिस प्रकार से किसी के मन में वैराग्य नहीं है, कोई भक्त नहीं है, उसके सामने ब्रह्म की चर्चा की जाए, उसके लिए कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार से इस अयोध्या में जब राम नहीं तो इस अयोध्या का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं। भरत जी ने हर प्रकार से समझाया गुरुदेव को। गुरुदेव से भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं आपसे आज्ञा नहीं ले रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कल प्रातःकाल होते ही मैं अपने भैया राम से मिलने जा रहा हूं और जो कोई भी मेरे साथ चलना चाहता है मैं उसे ले चलूंगा। बार बार भरत जी स्वयं को दोष देते हैं, सारा दोष हमारा है, सब कुछ मेरे कारण हुआ है। लेकिन भरत जी को एक बात का विश्वास है। क्या विश्वास है? कहते हैं कि भगवान राम मेरे भैया राम मुझे त्याग नहीं सकते, मुझे वो अपना मानते हैं कि आपन जान न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस। कहते हैं कि वो मुझे अपना जान करके मेरा त्याग नहीं कर सकते, मुझे इतना भरोसा है। और इसी अर्धाली में पूरा का पूरा भरत चरित्र समाया हुआ है। वो मुझे अपना जान करके त्यागेंगे नहीं। क्या हमको और आपको ऐसा विश्वास है भगवान पर कि भगवान मेरा ये कार्य अवश्य करेंगे, भगवान हमें कभी त्याग नहीं सकते? जिस दिन हमारा ये विश्वास भगवान पर बन जाएगा उसी दिन भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी पूर्ण रूप से हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब सब कार्य कर लेते हैं और जब बात नहीं बनती तब अंत में आकर के हम भगवान की शरण में आ जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमने तो करके देख लिया, अब सब कुछ आपके हाथों में है, अब सब आप करो। अंत में आने से बढ़िया है कि शुरुआत में ही हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी करने जाएं तो सबसे पहले
ठाकुर जी के चरणों में सब अर्पित कर दीजिए। प्रभु मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ, करने कराने वाले तो सब आप हैं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। प्रभु अब जो कुछ भी करिएगा सब आप करिएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसे करके चलेंगे तो सारे कार्य पूर्ण होंगे। भरत जी को विश्वास है, जैसे ही जितनी सभा के लोग थे, जैसे ही सबने सुना, सब प्रसन्न हो गए। सब भरत जी से कहते, भरत जी हम भी चलेंगे। प्रातःकाल होते ही सारी तैयारियां पूर्ण की कर ली गई। जितने अयोध्यावासी थे सब चल पड़े भरत जी के साथ। भरत जी अपने विश्वास पात्र जो सेवक थे उनको अयोध्या जी में ही रोक दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की संपत्ति है, सब उसका ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना। और बाकी लोगों को लेकर के भरत जी चल पड़े। जब वहां से निकले, पूरी अयोध्या के साथ सारे नगरवासी सब निकल पड़े। एक बड़ा प्यारा पद है, आइए मिलके गाते हैं। कि भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो रामा
भरत जी सभी अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट धाम चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं करी करनी, इसका अर्थ हाथी और हथिनी। जिस प्रकार से हाथी और हथिनी पानी की तलाश में हजार हजार किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं, उसी प्रकार से आज भरत जी सभी अयोध्या वासियों के साथ चल पड़े। अच्छा, हाथी हथनी को पता होता है क्या कि यहाँ पे आगे जाकर के सरोवर है? अभी अभी वैज्ञानिक द्वारा जब ये शोध हुआ है तो वैज्ञानिकों ने भी प्रूफ कर दिया क्या कि हाथी और हथनी जो होते हैं वो अपने बच्चे को जो दिमाग में उनका डाटा होता है, जो माइंड होता है, उसे अपने बच्चे में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने बच्चे को दे देते हैं। ये अभी अभी वैज्ञानिक लोगों ने शोध करके बताया और हमारे तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को 500 साल पूर्व ही लिख दिया। एक हाथी एक ऐसा पशु है जो अपने बच्चे को माइंड कन्वर्ट करता है। वही गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी प्रकार से भरत जी सारे अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट धाम निकल पड़े। भरत जी चले जा रहे हैं, जितने लोग थे सब रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं। भरत जी से कहा गया, भरत जी आप भी रथ पर चढ़ जाइए। भरत जी मन ही मन विचार करते हैं कि मेरे भैया राम वो तो पैदल ही गए होंगे, फिर मैं कैसे, मैं तो सेवक हूं, मैं कैसे रथ पे जा सकता हूं। भरत जी पैदल पैदल ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भरत जी रथ पर ही सवार हैं। भरत जी के पांव में छाले पड़े हैं, जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें होती हैं, उसी प्रकार से आज भरत जी के पांव में छाले पड़े हैं। जिस प्रकार से कमल सरोवर के मध्य में निकलता है, उसी प्रकार से भरत जी के पांव भी तो नील कमल जैसे हैं, सांवले से नीले नीले दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी नीले नीले पांव में अंदर जो छाले पड़े हुए हैं, कमल के जैसे पांव हैं, और उन पांवों पर मानो वो छाले ओस की बूंदों जैसी प्रतीत पड़ रहे हैं। जब छाले फट जाते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, उसी प्रकार से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल के फूल पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। भरत जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी आगे गए हैं तमसा नदी के तट पर, फिर धर निषाद राजगो से मिलना हुआ, संपर्क हुआ, निषाद जी भी साथ में चल पड़े। जब रास्ते में गए हैं तो जाते समय धरती मैया बिल्कुल शीतल हो गई, सूर्यदेव ने छाया कर ली, वट वृक्ष छाया करते जा रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि क्या भरत जी राम जी से ज्यादा कोमल थे, क्या उनके पांव भगवान राम से भी कोमल हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम से भरत जी के पांव कोमल नहीं है, लेकिन भगवान राम जब जा रहे थे तो उस समय भी धूप निकली हुई थी, उस समय छाया नहीं हुई थी, लेकिन भगवान राम जाते समय उन वट वृक्षों से, धरती मैया से, आकाश से, सूर्यदेव से सबसे निवेदन किए, कहे हे प्रभु, हे वट वृक्षों, एक निवेदन है हमारा। क्या निवेदन है? जितना कष्ट मुझे हो रहा है, पैदल जब हम चल रहे हैं मेरे पांव जल रहे हैं, मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं, तो ये जो कष्ट मुझे हो रहा है ये कष्ट मेरे भरत को ना हो।
वट वृक्षों ने पूछा, प्रभु क्या आपके भी पांव से कोमल भरत जी के कोमल पांव हैं? राम जी ने कहा, मेरे पांव से ज्यादा कोमल तो नहीं, लेकिन मेरा भरत अगर इतना कष्ट झेल लिया तो मेरा भरत भी ये सोचेगा कि जितना कष्ट आज मुझे हो रहा है उतना ही कष्ट मेरे प्रभु श्री राम को हुआ होगा, और वो ये कष्ट कदापि नहीं सहन कर सकता। इसलिए जब भरत जी चल रहे हैं तो सब छाया करते चल रहे हैं, धरती मैया शीतल हो गई, सूर्य देव ने अपना प्रकाश कम कर लिया। कहने का अर्थ है, भगवान अपने तो दुख सहन कर सकते हैं, स्वयं कष्ट झेल सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, कभी कष्ट में नहीं देख सकते। भरत जी की ये दशा देख करके इंद्रदेव सभी देवताओं के पास गए, कह भरत जी को कोई रोकता क्यों नहीं है? अगर वो इस स्थिति में पहुंच गए भगवान श्री राम के पास तो भगवान राम वन में नहीं रुक पाएंगे, इनकी बात को नहीं टाल पाएंगे, वो अवश्य श्रीधाम अयोध्या जी चले आएंगे, और अगर प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए तो रावण का वध कैसे होगा? इंद्रदेव के गुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्र क्या आपको लगता है कि भरत जी ही राम जी को याद करते हैं? भरत जी जा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए? कदापि नहीं, राम जी वहां बैठे बैठे भरत जी को भी याद कर रहे हैं। पूरी दुनिया भगवान राम को याद करती है, भगवान राम का स्मरण करती है, लेकिन इधर राम जी चित्रकूट में बैठे बैठे भैया भरत जी को याद कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। इसलिए कोई संदेह ना करिए। देखिए एक बार की बात है, श्री हनुमान जी महाराज और भरत जी बैठे हुए थे, तो नारद जी श्री हनुमान जी महाराज के पास गए। वहां जाने के बाद से कहे, आपको पता है सबसे बड़ा भगवान राम का भक्त कौन है? कहा, कौन है? तो सबसे बड़ा भगवान का भक्त मैं ही हूं। कहा, कैसे पता? जाइए पूछ करके आइए कि सबसे बड़ा भगवान का भक्त कौन है। नारद जी पहुंचे भगवान राम के पास, कहे, प्रभु जिस रजिस्टर में भक्तों की लिस्ट है जरा वो रजिस्टर मुझे दिखा दीजिए। जब नारद जी को भगवान राम ने वो रजिस्टर दिखाया तो सबसे पहला नाम देवर्षि नारद का था। अब तो खुशी के मारे लगे नाचने झूमने, आए दौड़े भागे भरत जी के पास, श्री हनुमान जी महाराज के पास आकर के कहते हैं कि आप लोग कहते थे कि मैं भगवान का सबसे पहला नंबर वन वाला भक्त नहीं हूँ, देखो रजिस्टर देख करके आया हूँ और सबसे पहला मेरा ही नाम है, और तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप दोनों का तो कहीं नाम ही नहीं अंकित है। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, देवर्षि नारद एक बात बताइए, आपने कौन सी डायरी देखी? तो देवर्षि नारद ने कहा कि वही जो बड़ा वाला रजिस्टर था वही मैंने देखा। कहा, बड़ा वाला देखा? अरे भगवान राम के पास एक पॉकेट डायरी है, छोटी सी डायरी है, जरा उस डायरी को तो देखिए। दौड़े भागे गए और जब पहुंचे भगवान राम के पास, कहा, प्रभु कोई छोटी सी डायरी भी रखे हैं क्या आप, पॉकेट डायरी? तो भगवान राम ने कहा कि बिल्कुल है, दिखाओ। भगवान राम ने वो पॉकेट डायरी दिखाई और उस डायरी में सिर्फ दो नाम ही अंकित थे, एक श्री हनुमान जी महाराज के, एक श्री भरत जी के। जब देवर्षि नारद ने सिर्फ दो नाम देखे तो देवर्षि नारद ने पूछा भगवान राम से, कहा, प्रभु उस बड़ी वाली डायरी में इतने सारे भक्तों की लिस्ट है और इस छोटी सी डायरी में मात्र दो लोगों का नाम अंकित है, ऐसा क्यों? भगवान राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान राम कहते हैं, देवर्षि नारद, जो बड़ी वाली डायरी आपने देखी उसमें संसार के जितने भक्त हैं उन सबका नाम अंकित है, लेकिन वो मुझे याद करते हैं, और इस पॉकेट डायरी में, जो छोटी सी डायरी में जो दो नाम अंकित है, इन्हें मैं याद करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना ही है कि संसार वाले मुझे याद करते हैं, लेकिन इन भक्तों को, इन दो भक्तों को स्वयं मैं याद करता हूँ। देखिए ये सूत्र है जीवन का, हम अपने बड़े को याद करें ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा बड़ा मुझे याद करे ये सबसे बड़ी बात है।
भरत जी चले जा रहे हैं, रास्ते में गिर पड़ते हैं। सब देख करके आश्चर्यचकित है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। तीर्थराज प्रयाग में जब गए, जाने के बाद से सबने त्रिवेणी में स्नान किया। भरत जी एक किनारे आकर के खड़े हुए हैं, वो स्नान नहीं कर रहे। किसी ने कहा कि ये बताइए भरत जी, सब वहां त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, आप यहां क्यों स्नान कर रहे हैं? भरत जी ने कहा कि वहां गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों का संगम है और मैं सरस्वती से मिलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सारा कारण उन सरस्वती के कारण ही हुआ। जो कुछ भी हुआ, ना सरस्वती आई होती, ना मेरे माँ की मति पलटी होती, ना मेरे भैया राम वन को गए होते। मैं उस सरस्वती से नहीं मिलना चाहता जो मेरे भगवान से मुझे दूर कर दे। ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं जो आपको भगवान से ही दूर कर दे, ऐसा ज्ञान भी होना जरूरी नहीं है। एक सच्ची घटना आपको बताऊं कि एक जगह सत्संग हो रहा था, एक महात्मा जी आए हुए थे, तो हम भी संजोग से साथ में गए हुए थे। तो मैं बड़ा प्रसन्न थी कि आज महात्मा जी के मुखारविंद से सत्संग सुनने को मिलेगा। अब वो महात्मा जी मंच पे बैठे, व्यासपीठ पे बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। तो सत्संग जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखो, ये जितनी दुर्गा मैया, काली मैया, भोलेनाथ, हनुमान जी, ये कोई भगवान नहीं है। आप लोग जिसे भगवान मानते हो वो कोई भगवान नहीं है। अब लोगों ने कहा कि माने कैसे कि भगवान नहीं है? कहा बिल्कुल, अभी बताता हूं। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। कहा ये बताओ घोड़ा कैसा दिखाई पड़ रहा है? अब सबने अपनी आंख बंद की, घोड़ा दिखाई देने लगा। सबसे पूछा ये बताओ सबको घोड़ा एक जैसे दिखाई दे रहा है कि अलग अलग? कहा नहीं, सबको एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हाथी देखो। सबने हाथी देखना शुरू किया। कहा हाथी कैसे दिखाई दे रही है? आ तो सबको एक जैसे। जितने पशु थे सबको कहा सबको देख लो, सबको एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे। अब सबने कहा, उस गुरुजी ने कहा कि सब लोग आंखें खोल लो। सबने आंखें खोल लिया। कहा देखो यही फर्क है, तुम्हारे भगवान अलग अलग दिखाई देते हैं। सब कहते हैं ना ईश्वर एक है, एक हम कैसे मान ले? जब वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं तो भगवान कैसे हुए? और जो सत्य में है, गाय है, तो सबको गाय एक जैसे दिखाई पड़ेगी। भैंस है तो सबको एक जैसे भैंस दिखाई पड़ेगी। सबने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी, आप सत्य कह रहे, सचमुच भगवान नहीं है। अगर भगवान रहते तो सबको एक जैसे दिखाई पड़ते। अब किसी को धनुष बाण वाले भगवान दिखाई पड़ रहे, किसी को बांसुरी वाले भगवान दिखाई पड़ रहे, किसी को हनुमान जी महाराज दिखाई पड़ रहे, सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे, जो जिसको मानता। अब सब मान गए कि हाँ सही है, भगवान तो है नहीं। सब बेवकूफ बना रहे थे। लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वजों, जो पूर्वज थे हमारे, सब तो पूजा करते चले आ रहे। संत ने कहा कि अब ये बताओ, जो पूर्वज हमारे गलती करके आए हैं, क्या जरूरी है हम भी वही गलती करें? कहा बिल्कुल नहीं। अब सब मान गए, सारे लोग मान गए कि नहीं बिल्कुल सत्य भगवान तो है नहीं। हमने कहा गुरुजी से हम भी कहिए तो एक प्रश्न आपसे पूछ लें। कहा बिल्कुल पूछिए। हमने लोगों से कहा कि एक काम करो, सब लोग अपने अपने बाप का ध्यान करो। अब जितने लोग थे सब अपने अपने बाप का ध्यान करने लगे। हमने पूछा ये बताओ सबको एक दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? सबने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, जब हमारे पिता हैं तो हमारे पिता तो एक ही होंगे, तो सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से
पिता एक ही होता है, लेकिन सबके अलग अलग स्वरूप होते हैं। किसी के चार बाप तो होते नहीं, बाप तो एक ही होता है। अर्थात भगवान एक ही है लेकिन स्वरूप अलग अलग है। अर्थात ऐसी विद्या का, ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जो भगवान के चरणों से आपको दूर कर दे। भरत जी अकेले स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी मैया प्रसन्न हुई भरत जी से, कहती हैं भरत जी आपको क्या चाहिए, आप जो मांगिए मैं सो दूंगी आपको। भरत जी ने त्रिवेणी मैया से मांगा, हे माँ मुझे यही वरदान दो कि दिन प्रतिदिन मेरा भगवान राम के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए, और हे माता मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूँ, इतना अगाध प्रेम है, ये मेरे प्रभु श्री राम न जान पाए। माँ ने आशीर्वाद दिया है भरत जी को। भरत जी जब यमुना जी को देखते हैं तो भगवान राम की याद आ जाती है, गंगा मैया का वो जब धवल स्वरूप देखते हैं तो जानकी मैया की याद आ जाती है। भरत जी के नेत्रों में आंसू हैं भगवान को याद करते हुए वहाँ से माँ को प्रणाम करके निकले हैं, भरद्वाज जी से मिले, रास्ते में आगे गए हैं, जो नगरवासी थे आगे चल के सभी नगरवासियों को लेकर के चल पड़े हैं, और अंत में चित्रकूट धाम के पास पहुँचे। इधर निषाद राजगुरु ने दिखाया भरत जी को कि कामदगिरी पर्वत, जो पर्वत शिरोमणि कामदगिरी हैं उनका दर्शन कराया, वहीं पर बगल में पयस्वनी नदी के तट पर सभी निवास करते थे। इधर लक्ष्मण जी जब भरत जी के आने का उन्हें संदेश पहुंचा, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के लगे धनुष बाण उठा लिए, कहे आज भरत को मैं मृत्यु दंड दूंगा, अगर आज ब्रह्मा भी आ गए तो भरत को कोई बचा नहीं सकता है। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी हम जानते हैं आप बहुत बड़े बलशाली हैं, धनुर्विद्या में पारंगत हैं, लेकिन कोई भी कार्य सोच समझ करके करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य न करें कि बाद में चल के आपको पछताना पड़े। लक्ष्मण जी दौड़े भागे आए हैं भगवान राम के पास, भगवान राम के पास आकर के कहते हैं प्रभु मैं जान गया हूँ भरत किस लिए आया है। अरे उसे राज्य पाठ लेकर के अभी संतोष नहीं मिला, वो संतुष्ट नहीं हुआ, मैं जानता हूँ वो आपको जान से मार देना चाहता है, वो आपकी मृत्यु चाहता है ताकि निष्कंटक होकर के वो राज्य कर सके, उसे लगता है कि 14 वर्ष बाद जब आप अयोध्या में जाएंगे तो सारे नगरवासी फिर से आपको राजा बना देंगे। मैं भरत को जान चुका हूँ और भैया आज मैं युद्ध करके रहूँगा भरत से। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण कैसी बातें कर रहे हो, अरे मैं जानता हूँ मेरा भरत आया हुआ है, लेकिन मेरे भरत को कभी मद हो जाए, कभी अहंकार हो जाए, कोई घमंड हो जाए, ये संभव नहीं है। मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, ये संभव है। आकाश पाताल में विलीन हो जाए, ये संभव है। धरती अपना शीतलता भाव त्याग दे, क्षमत्व भाव त्याग दे, ये संभव है, लेकिन मेरे भरत को राज मद ये कदापि संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी को बारंबार समझाया राम जी ने, और जाकर के आश्रम के अंदर बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे, सोचते हैं कि काराना कवना भरत आगवानु। राम जी सोचने लगे कारण क्या है, मेरा भरत क्यों आया है, किस लिए आया है। भरत अगर आ गया और मुझसे कह दिया प्रभु हे भैया आप चल चलिए अयोध्या वापस, तो मैं अपने भरत को निरुत्तर रह जाऊंगा, उसे उत्तर देने में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी क्षण फिर रो करके प्रसन्न भी हो गए, क्यों, क्योंकि भारत कहे महो साधु सयानु।
राम जी को विश्वास है, आने दो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भरत मेरे कहने में रहता है, मैं जो कहूँगा वो जरूर मानेगा। भगवान राम को लक्ष्मण जी पर विश्वास नहीं है, इतना विश्वास लक्ष्मण जी पर भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी कभी ना कभी अपने मन वाली कर ही देते हैं, लेकिन भरत जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा व्यवहार बनाइए कि हमारे जो भी ज्येष्ठ हैं, हमसे जो भी श्रेष्ठ हैं, उन्हें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कहूँगा, मैं जो करूँगा, वो बात मेरी अवश्य मानेगा। भरत जी के ऊपर राम जी को परम विश्वास है कि मुझे विश्वास है, आने दो, कोई बात नहीं, मैं जो भरत से कहूँगा वो अवश्य मानेगा। राम जी प्रसन्न हो गए। भरत जी उसी समय शत्रुघ्न जी के साथ आकर के आश्रम के द्वार पर खड़े हो गए कि पाही नाथ कही पाही गुसाई और भूतल परे लकुट की नाई। जिस प्रकार से लाठी को अगर खड़ा कर दिया जाए और उसे सीधे छोड़ दिया जाए, उसी प्रकार से भरत जी बिल्कुल खड़े थे और गिर पड़े नीचे भूमि पर। पाहि माम प्रभु, पाहि माम प्रभु, पाहि माम, लगे भगवान राम को पुकारने। इधर लक्ष्मण जी दौड़े भागे गए भगवान राम के पास। लक्ष्मण जी जा करके कहते हैं कि भैया भरत प्रणाम किन्हर घुनाथा। कहते हैं प्रभु भरत भैया आए हुए हैं और आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही भाव सुना, राम जी उठ खड़े हुए, जैसे ही रो सुना दौड़ पड़े और अभी लक्ष्मण जी के मुख से त निकलता, भगवान राम ने जाकर के भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान राम चले तो कहूं पट कहूं निशंग धन तीरा। भगवान राम जब दौड़े तो उनका जो पटका था वो गिर पड़ा, धनुष बाण गिर पड़े, तरकस गिर पड़े, चार चीजें भगवान राम की गिर पड़ी है। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा। पटका गिरा, लक्ष्मण जी से कहता, लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिरा? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों गिरा? पटके ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी जब भाई भाई से मिलने जाता है तो बीच में किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर भगवान राम मुझे अपने कंधे पर लेकर के जाते तो भरत जी को अपने हृदय से जब लगाते तो उस समय बीच में मैं आ जाता, इसलिए मैं गिर पड़ा। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिरा? कहा क्यों गिरा? धनुष बाण ने कहा, लक्ष्मण जी नियम है कि जब भाई भाई से मिलने जाए तो प्रेम से जाए, जब भाई भाई से मिलने जाता है तो अस्त्र और शस्त्र लेकर के कदापि नहीं जाता, इसलिए हम दोनों गिर पड़े, सब के सब गिर पड़े। भगवान राम जाकर के भरत जी को अपने हृदय से लगा लिए। लेकिन कहते हैं बड़ा सुंदर भाव है कि भरत जी भूमि पर पड़े हुए हैं और उठ नहीं रहे हैं, भगवान राम उन्हें बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भरत जी नहीं उठे। कहे भैया किस प्रकार से आपको ये चेहरा मैं दिखाऊं, कौन सा मुख दिखाऊं मैं आपको, ये कलंकित चेहरा मैं आपके सामने नहीं ला सकता, जो कुछ भी हुआ सब मेरे कारण हुआ। राम जी कहते हैं भरत कोई बात नहीं, तुम मुझे मत देखना, एक बार मेरे हृदय से तो लग जाओ। भरत जी को उठा करके भगवान राम ने अपने हृदय से लगा लिया कि बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान और भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार।
भगवान राम और भरत जी के इस मिलन को देख करके जो अगल बगल के पत्थर थे सब पिघल गए, सब रो रहे हैं इस मिलन को देख करके। जितने पत्थर थे सब पिघल गए। भगवान राम भरत जी को भेंट करके रोए जा रहे हैं, भरत जी रोए जा रहे हैं। शत्रुघ्न जी मिले हैं लक्ष्मण जी से, आपस में एक दूसरे मिलते हैं। भरत जी ने बताया कि तीनों माताएं आई हुई हैं, पूरे अयोध्यावासी आए हुए हैं। भगवान राम दौड़े भागे गए हैं। सबसे पहले प्रथम राम भेटी कह के उतनी की भीड़ में सबसे पहली बार गए, और भगवान राम सबसे प्रथम बार माँ कैकेयी को अपने हृदय से लगाया। और जब हम एक दूसरे के गले मिलते हैं तो एक दूसरे के कान के मुख अपना मुख आ जाता है। माँ के कान के पास भगवान राम के मुख आए। भगवान राम ने कहा, माँ आपको कोई कष्ट तो नहीं? माँ कैकेयी ने कहा, राम इतने की भीड़ में तुम्हारी माँ अकेली है। राम मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा भरत मुझे माँ नहीं कहता। भगवान राम कहते हैं, माँ तुझे कोई प्रेम नहीं करता, या फिर तुझे भरत माँ नहीं कहता, लेकिन तेरा राम सदैव तेरे साथ है, तू सदैव मेरी माँ रहेगी। देख सबसे पहले मैं तुमसे आकर के मिला, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रही है? और माँ और तो और मेरी माँ कैकेयी को दोष वही देगा, दोष दे जननी जड़ते ही, जे गुरु साधु सभा नहीं ते ही। मेरी माँ कैकेयी को दोष वही देगा जिसने कभी गुरु का सानिध्य नहीं पाया हो, जिसके अंदर कोई संस्कार ना हो वही मेरी माँ को बुरा कहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कभी भी माँ कैकेयी के विषय में कुछ बुरी बातें ना करें। क्यों? क्योंकि अगर भगवान राम को माँ कौशल्या ने जन्म दिया और राम बनाया, तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली माँ कैकेयी है। माँ कैकेयी जितना त्याग पूरे रामचरितमानस में किसी और ने नहीं किया। अगर माँ कैकेयी ने भगवान राम को वन में नहीं भेजा होता, तो भगवान राम सिर्फ एक साधारण से मनुष्य की तरह राजा बन करके राज्य करते, कुछ साल बाद चले जाते, कोई नहीं जानता। आज हम और आप बैठ करके भगवान राम का गुणगान नहीं करते, इस भगवान की लीला का गुणगान नहीं करते। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी माँ कैकेयी को दोष ना दे। अब देखिए यहाँ पर भरत जी और राम जी के इस भरत मिलाप में पांच सभाएं बैठाई गई, पांच सभाएं हुई हैं। पहली सभा बैठाई गई, पहली सभा में गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी से बताया, राम आपके पिता नहीं रहे, महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो चुका है। आज भगवान राम इतना विलाप किए हैं, पूरी सभा इतना विलाप की है, किसी ने एक तिनका नहीं खाया, किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया, पूरा दिन बीत गया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही भगवान, आज ही महाराज दशरथ का महाप्रयाण हुआ हो। पहली सभा बैठाई गई। दूसरी सभा में गुरुदेव वशिष्ठ थे, भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी नहीं थे। उस सभा में गुरुदेव कहते हैं कि राजा राम स्वबस भगवानो, अर्थात सबसे कहते हैं कि उन्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, राजा राम पहले ही राजा बोल दिया, अर्थात वो पहले भी राजा थे, अब भी राजा हैं और आगे भी राजा ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि राम भगवान हैं, परम ब्रह्म हैं, ये तो उनकी लीलाएं चल रही हैं। और देखिए जब सर्वस्व जा रहा हो अपना और अगर आधा से भी काम चल जाए, तो सर्वस्व को बचाने में अपना आधा भी ना छोड़ा जाए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया। गुरुदेव कहते हैं, भरत मैं तो कहता हूं कि अगर तुम और शत्रुघ्न इस वन में रह जाओ, तो मैं राम लक्ष्मण जानकी को लेकर के अयोध्या वापस चला जाऊं। गुरुदेव की बात जैसे ही भरत जी ने सुनी, भरत जी सभा के मध्य में खड़े हो गए। कहते हैं, गुरुदेव मैं 14 वर्ष तक वन में नहीं रह सकता। गुरुदेव अवाक हो गए, ये भरत जी क्या कह रहे हैं,
कि मैं वन में नहीं रह सकता। अभी तक इतना प्रेम था इनका और अभी वन में रहने की बात आई तो मना कर दिया। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव आपने 14 वर्ष रहने की बात की, लेकिन मैं कहता हूं कि काना ना करहूं जन्म भर बासो और एही ते अधिका नमो रस पासो। कहा गुरुदेव आप 14 वर्ष की बात करते हैं, मैं 14 वर्ष नहीं, मैं जन्म जन्म तक इस वन में ही रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष अगर वन में रहा और 14 वर्ष के बाद अगर अयोध्या लौट करके वापस गया, न जाने फिर मेरी माँ कैकेयी के मन में कुछ हो जाए और वो फिर से मेरे भैया राम से ये मांग ले कि राम तुम्हें फिर से वनवास है और मेरा भरत फिर राजा बनेगा, फिर मैं क्या करूँगा। गुरुदेव भरत जी की बात सुनकर के स्तब्ध हो गए, शब्द ही नहीं उनके पास कि अब इसकी आगे कहें तो कहें क्या। इतना अगाध प्रेम भगवान राम से करने वाला कौन है। तीसरी सभा हुई भगवान राम के पास, सब गए मिलकर के। अब गुरुदेव बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। गुरुदेव ने भरत जी से कहा, भरत सही समय आया है, बोल दो तुम्हें क्या चाहिए। अब भरत जी भगवान राम से कहते हैं, प्रभु आप जो निर्णय लीजिए मैं वही करूंगा। भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव आपके रहते हुए हम निर्णय कैसे ले सकते हैं, आप ही बताइए, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। गुरुदेव फिर भरत जी से कहते हैं, भरत समय आ गया है, बोल दे तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है। भरत जी सभा के मध्य में खड़े हुए, सभा के अभी सभा चल ही रही थी तब तक जनक जी महाराज चले आए। जनक जी महाराज के स्वागत के लिए भगवान राम सबके साथ गए हैं। आज प्रथम बार जानकी मैया को जब से महाराज जनक ने विदा किया तब से लेकर के आज पहली बार, प्रथम बार तो दुल्हन के स्वरूप में देखा था, लेकिन आज महाराज जनक ने माँ सीता को तपस्वियों के वेश में देखा है, लेकिन देखकर प्रसन्न हो गए। पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र कर दिया, आज मैं धन्य हो गया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। गंग अवनि थल तीन बड़े रे, गंगा ने मात्र 3 स्थान बनाए। गंगा गोमुख से निकल करके गंगा सागर तक ही पहुंची, हर स्थान पर नहीं मिलेंगी, लेकिन पुत्री तुमने पूरे संसार में ये कार्य करके अपनी निष्ठा को बढ़ा दिया है, अपनी कीर्ति फैला दी है, मैं आज धन्य हो गया। जनक जी आए हैं, चौथी सभा बैठी है। उस सभा में गुरुदेव कहते हैं, भरत अब तो बोल दे। जनक जी महाराज कहते हैं, हाँ भरत तुम्हें क्या चाहिए तुम बोल दो। भगवान राम कहते हैं, भगवान के स्वरूप में गुरुदेव भगवान हैं, पिता के स्वरूप में महाराज जनक हैं, आप दोनों के रहते हुए हम क्या बोले, आप ही लोग बता दीजिए करना क्या है। भरत जी सभा के मध्य में खड़े हुए, कहते हैं, गुरुवर मैं बचपन की बात बताऊं, जब हम सभी छोटे थे और जब हम आपस में खेलते थे तो उस समय मेरे भैया पता है क्या करते थे, कभी भी अपने साथ मुझे नहीं रखते थे, अपने पक्ष में कभी नहीं रखते थे, अपने विपक्षी दल में मुझे सदैव रखते थे। कहा क्यों, ऐसा क्यों करते थे। भरत जी ने कहा, मेरे भैया राम इसलिए ऐसा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि अपने प्रभु श्री राम को देखता रहूँ, मेरे भैया राम चाहते थे कि मैं भरत को देखता रहूँ, और अगर अगल बगल रहे तो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, इसलिए बिल्कुल विपक्ष वाले में रहते थे कि सामने सामने एक दूसरे को देखते रहेंगे। और जब मैं हारने लगता था तो पता है मेरे भैया स्वयं हार करके मुझे जिता दिया करते थे, और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके कहते थे, आज मेरा भरत मुझसे भी बड़ा हो गया, आज मेरा भरत मुझसे भी बड़ा हो गया, आज मैं अपने भरत से हार गया।
हारे हूँ खेल जिता वहूँ मोही, स्वयं हार करके मुझे जिता दिया करते थे। कहते थे प्रभु, कहा प्रभु अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं तो एक बात मान लीजिए, मेरे पास एक उपाय है। भरत जी कहते हैं, भरत जी ने भगवान राम से कहा कि हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी। कहा प्रभु हमको वन में रहने दीजिए, आप अयोध्या वापस चले जाइए। ए हमार भैया जी, हो हमार भैया जी, त हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, ए हमार भैया जी, हो हमार भैया जी, ए हमार भैया जी, हो हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे। और क्या कहा, भगवान ने मना कर दिया, तुम वन में रहोगे और मैं अयोध्या जाऊं, कदापि नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा प्रस्ताव है हमारे पास। क्या कहा भरत जी ने, शत्रुहान संगे प्रस्ताव रखा भरत जी ने, कहा प्रभु शत्रुघ्न और हम वन में रह जाते हैं, आप वापस चले जाओ जानकी मैया लक्ष्मण के साथ। भगवान ने वो भी मना कर दिया, कहा कोई बात नहीं, तीसरा प्रस्ताव भी है हमारे पास। क्या है, ना ही मन बाई नाथ तो हम रोके राखसा, ना ही मन बाई नाथ तो हम रोके राखसा, ना ही
प्रभु, अगर नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, हमको भी अपने साथ रह लीजिए, रख लीजिए। जिस प्रकार से तीन रह रहे हैं, एक और बढ़ जाएगा। जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी। जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी। जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी। हमके बन रहना घरे जा हमार भैया जी। हमके बन रहना घरे कि हमके बने रहे दा घरे जा हमार भैया जी। तो जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी। भरत जी ने कहा, प्रभु ये चार प्रस्ताव हैं, जो समझ आए आप मान लो। आप मुझे वन में रहने दो, सभी लोग जाओ अयोध्या वापस, या तो हम और शत्रुघ्न इस वन में रुक जाते हैं, आप माँ जानकी लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस चले जाइए। अगर ये भी नहीं मानना तो जिस प्रकार से तीन रह रहे हैं उसी प्रकार से एक और बढ़ जाएगा, हम चार हो जाएंगे। इतनी सी बात मान लो आप। राम जी नहीं माने, मना कर दिया। जनक जी से पूछा गया क्या किया जाए, लेकिन सबको उचित तो यही लगता है कि भरत जी अयोध्या वापस चले जाएं और राजपाट को संभाल लें, राम जी 14 वर्ष के लिए वन में ही रुक जाएं। लेकिन भरत जी से कहे तो कहे कौन, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भरत जी का इतना प्रेम देख करके चौथी सभा हुई। उस सभा में फिर सब एक दूसरे से कह रहे हैं, आप कहिए तो आप कहिए, गुरुदेव भगवान जनक जी से, जनक जी राम जी से, राम जी भरत जी से। अब भरत जी विचार करने लगे, करें तो करें क्या। भरत जी अंत में कहते हैं, प्रभु आप जो कह देंगे मैं वही करूंगा, आप कहिए क्या करना है। भरत जी राम जी से कहते हैं कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, कि जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलो।
नाथ जी ने प्रभु जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा प्रभु आप जो कह दोगे मैं वही करूंगा। भरत जी की बात सुनकर के भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। भगवान राम ने कहा भरत एक काम करो, चलो बंटवारा कर लेते हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना बंटवारा, कहा प्रभु क्या हो गया आपको, आप हमसे बंटवारा करेंगे? भगवान राम ने कहा भरत बंटवारा संपत्ति का नहीं, बंटवारा विपत्ति का कर लेते हैं। आज हमारे अयोध्या पर विपत्ति आई हुई है, चल हम दोनों मिलकर के तू अयोध्या को संभाल ले, मैं वन को संभाल लूं, इस विपत्ति को बांट लिया जाए। बांट ही विपत्ति सब ही मोहि भाई, थोड़ा थोड़ा करके सब लोग बांट लेते हैं, फिर ये दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। भरत जी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। और हमको आपको भी यही सीख लेनी चाहिए इस भरत प्रसंग से कि अपने भाई से संपत्ति का बंटवारा ना करें। अपने भाई से अगर बंटवारा ही करना हो तो विपत्ति का बंटवारा करें। यही भरत चरित्र है, यही भरत चरित्र सुनने का लाभ है, यही सीख लेनी चाहिए। भरत जी ने कहा प्रभु आपके अभिषेक की हम सामग्री लेकर के आए थे, उस सामग्री का क्या करूं? भगवान राम ने कहा अत्रि मुनि बैठे हुए हैं, पूछ लो उनसे, वो जो कहें वही करो। भरत जी ने अत्रि मुनि से पूछा है, अत्रि मुनि ने भरत जी को आदेश दिया। वहीं पर एक कूप था, एक कुआं था, कहा अभिषेक की जो भी सामग्री है ले जाकर के उसी कूप में डाल दीजिए। भरत जी उस अभिषेक की सामग्री को ले जाकर के उस कुएं में डाल दिए और तभी से उस कुएं का नाम पड़ गया भरत कूप। आप चित्रकूट धाम में जाएंगे तो वहीं पर आपको श्री भरत कूप भी मिलेगा। वहाँ इस भरत कूप की ये महिमा है कि उस भरत कूप में स्नान करने से तीर्थ में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भरत कूप की महिमा है और तभी से उसे भरत कूप के नाम से हम सभी जानने लगे। भरत जी बात को मान गए, लेकिन अब पांचवी सभा बैठी है। भरत जी अभी भी सोच में पड़े हुए हैं, मन में कुछ बातें खटक रही हैं। भगवान राम ने पूछा क्या हुआ, अब क्या चाहते हो?
भरत जी ने कहा, प्रभु आप तो नहीं चल रहे, लेकिन कम से कम आपकी कोई निशानी तो मेरे साथ होनी ही चाहिए। मैं किससे पूछ करके कोई व्यवहार करूँगा। और ऐसा संत महात्माओं का चिंतन है कि जब भगवान राम पैदल गए थे, वन में आ रहे थे, उस समय उन्होंने खड़ाऊ नहीं पहन रखा था, लेकिन जब भरत जी ने निशानी की बात की तो उस समय भगवान राम ने स्वयं को पादुकाओं के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। और कहा ऐसा जाता है कि वहीं पर भगवान राम का पादुका अवतार हुआ। बोलिए पादुका भगवान की। वहीं पर भगवान का पादुका अवतार हुआ। भरत जी उन पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करके चल पड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीन्ही। प्रभु कर कृपा पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा पान के। भारत मोदित अवलम सुख जय सिया राम रहे ते, अस सुख जय सिया राम रहे ते, अस सुख जय सिया राम रहे ते। इस प्रकार से भगवान राम ने उन पादुकाओं को दिया है श्री भरत जी को, और भरत भैया बड़े ही आदर के साथ उन पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करके वहां से चल पड़े। सभी अयोध्यावासी नगरवासी सब भरत जी के साथ वापस आए। चले जा रहे हैं भरत जी उन खड़ाऊओं को लेकर के, उन पादुकाओं को लेकर के। सभी देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे शीश पर खड़ाऊँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। It's
चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। श्री भरत जी भगवान राम के उन पादुकाओं को अपने माथे पर धारण करके वहाँ से चल पड़े। सभी श्रीधाम अयोध्या जी में आए हैं। आने के पश्चात श्री भरत जी ने उन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और उन्हीं पादुकाओं से पूछ पूछ करके भरत जी हर व्यवहार करते हैं। भरत जी को स्मरण हो आया कि मेरे प्रभु श्री राम भूमि पर शयन करते हैं, मेरे प्रभु श्री राम राजपाट छोड़ करके वन को चले गए हैं, तो मैं सेवक हूँ, मुझे भी ये शोभा नहीं देता कि मैं राजमहल में रहूँ। इस कारण भरत जी पूरे दिन आकर के राजपाट का कार्य संभालते थे, लेकिन जैसे ही रात्रि होती थी नंदीग्राम में चले जाते थे। मन में विचार आया कि मेरे प्रभु श्री राम भूमि पर सोते हैं, वो स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, इस कारण स्वामी से सेवक को सदैव नीचे रहना चाहिए। इस कारण श्री भरत जी ने नंदीग्राम में गड्ढा खुदवा करके स्वयं उस गड्ढे में शयन करते थे। ये है भाई और भाई से प्रेम, ये भाई का प्रेम है, इतना निश्चल प्रेम। भरत जी के विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, किसी रामा प्रेमा पियो सपूरना हो त जन मना।
राम प्रेम पियो सपूरन हो त जनम न भरत को मुनि मनाया गाम स्वामी जी ने फलस्तुति में लिखा कि अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो अष्टांग जो योग बनते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये जो अष्टांग योग हैं जो मुनियों के लिए अगम है तो इन हम सबके लिए सुगम कौन बनाता अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो। अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो इस मूर्ख तुलसी के सामने भगवान श्री राम को हठ पूर्वक लाके खड़ा कौन करता अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो। अंत में बाबा कहते हैं कि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनही सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस विरती। फलस्तुति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इस भरत चरित्र को जो सुनेगा गाएगा नहीं जो सुनेगा उसका क्या फल होगा श्री सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम बढ़ेगा प्रेम होगा और दूसरा सांसारिक विषयों से वैराग्य मिलेगा सांसारिक विषयों से विरक्ति मिलेगी। ये श्री भरत जी के चरित्र को सुनने की फलस्तुति है। इसलिए इस भरत चरित्र से हम और आपको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आजकल के समाज में भाई और भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इस भरत चरित्र को सुनने से ये सीख लीजिए कि भाई से भाई की संपत्ति का बंटवारा न करें बल्कि भाई से भाई की विपत्ति का बंटवारा करें। ये है श्री भरत जी का चरित्र। इसी के साथ आप सभी को जय सीताराम। आइए दो बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोली श्रीमन्नारायण भगवान की बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बोली श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो चारों भैयों की जय हो सभी संतों की जय हो सभी भक्तों की
की। ओम नमः पार्वती पते हर।